भिवाड़ी में औद्योगिक के इलाके के चौपान की पथरेड़ी सहित आसपास के गांव में अघोषित बिजली कटौती को झेल रहे उद्योगपतियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को कहरानी में स्थित बीआईआईए कार्यालय के सभागार में एक्सीएन सतीश शर्मा के साथ एक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक बीआईआईए के अध्यक्ष प्रवीण लांबा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान भिवाड़ी के उद्योगपतियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बिजली कटौती की समस्या पर बात की और समस्या के समाधान पर चर्चा हुई। बीआईआईए के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवाड़ी के उद्योगपति पिछले कुछ महीनों से बिजली कटौती की मार से झेलते हुए बहुत परेशान हैं और अनियमित रूप से हो रही बिजली कटौती की वजह से उद्योगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली कटौती से उद्योगों में 30% तक उत्पादन घट चुका है। यही नहीं, इसके साथ ही हर महीने के दूसरे सोमवार व मंगलवार को एरिया वाइज पावर कट की मार अलग से झेलनी पड़ रही है। रविवार को फीडर मेंटेनेंस की वजह से पावर कट रहता है। ट्रिपिंग की समस्या अलग से बनी हुई है। पावर कट से संबंधित समस्याओं व उद्योगों में उत्पादन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से एक्सीएन सतीश शर्मा को अवगत करवाया गया है। अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने बताया कि बिजली विभाग कंप्लेंट मैनेजमेंट की कोशिश में ही फेल हो रहा है। शेड्यूल पावर कट को तो झेला जा सकता है, लेकिन अनशेड्यूल्ड पावर कट से संसाधनों की बर्बादी हो रही है। उद्योगपतियों की समस्या सुनने के बाद एक्सीएन सतीश शर्मा का कहना है कि पहले वो ट्रिपिंग व सप्लाई पर फोकस करेंगे, साथ ही उद्योग प्रतिनिधियों के सुझाव पर फीडर वाइज ग्रुप बनाएंगे, जिससे कम्युनिकेशन समय पर हो और अनशेड्यूल्ड पावर कट से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। प्रवीण लांबा ने बताया कि इस विषय को लेकर JVVNL चेयरमैन सहित MD से भी मिलने का समय मांगा गया है, जिससे भिवाड़ी के उद्योगों को बिजली से संबंधित आ रही समस्याओं को उनको बताया जा सके। बैठक में भिवाड़ी डिस्कॉम के एक्सीएन सतीश शर्मा, JN रमेश चंद्र मीणा, BIIA सेक्रेटरी हरीश गौड़, कोषाध्यक्ष मुकेश शर्मा, OP अग्रवाल, सतेंद्र चौहान, सुरेश अग्रवाल, कुलदीप शर्मा, मुकेश यादव, अजीत खटाना सहित बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल प्रतिनिधि उपस्थित रहे।